नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक DIY टेबल मेकओवर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस टेबल को हमने मेकओवर करना है उसे हम एक सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम उसे पेंट करना शुरू करेंगे जिस कलर में आप उसे पेंट करना चाहते हैं। मुझे अपना जो टेबल है वो वाइट कलर में चाहिए था क्योंकि मेरे पूरे रूम का फर्नीचर जो है वो वाइट है, तो मुझे ये ब्राउन शेड में था तो मुझे ये बहुत ऑफ लगता था, तो मैंने इसे वाइट पेंट किया। यहाँ पर वाइट कलर मैंने जो है वो एशियन पेंट्स का यूज़ किया है। इसे आप इंडोर फर्नीचर्स पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो शाइन है वो एज़ इट इज़ रहेगी। यहाँ पे ऑयल पेंट मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे वो कम्फर्टेबल नहीं हूँ मैं उसके साथ। एक तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और एक उसकी स्मेल जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। दोनों तरफ से पेंट करने के बाद मैंने इसके फ्रंट के फ्रेम को पेंट करना शुरू किया। फ्रंट के हिस्से को आपने बहुत ही क्लियरली पेंट करना है। मैंने एक कोट कंप्लीट करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसके आगे की जो हैंडल है वो निकाल लेते। इन्हें मैंने पेंट किया है गोल्डन स्प्रे पेंट से। मैंने इनको एक कोट करके छोड़ दिया है क्योंकि इन्हें सूखने में वक्त लगेगा। टेबल की फर्स्ट कोट सूख चुकी है, अब हम इस पे सेकंड कोट कर लेंगे। अब बारी है फ्रंट पार्ट की। तो मेरे इस टेबल पे मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था पहले भी, वुडन फिनिश वाला, तो उसको मैंने पूरा पील ऑफ कर दिया है क्योंकि अब इसको मैंने अपने रूम के साथ मैच करना था। तो मैंने जो वॉलपेपर अपनी वॉल्स पे यूज़ किया हुआ था वही मैंने अब इस पे लगाना था। तो पहले हम इसके एजेस को पेंट कर लेंगे ताकि जब हम इसे खोलें तो वो देखने में ख़राब ना लगें। और इन्हें एजेस को हम बहुत अच्छे से पेंट करेंगे। ब्रश से ना हो पाए तो आप इसे स्पंज की हेल्प से करें। अब बारी है फ्रंट पार्ट में वॉलपेपर लगाने की। तो उसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा और वॉलपेपर जो कि हमने बिल्कुल इसके साइज़ में काटा है। और ध्यान रहे कि वॉलपेपर को जब आप कट करें तो हमेशा लेंथ और ब्रेथ दोनों में आप एक एक इंच एक्स्ट्रा रखें क्योंकि अगर कम आपका वॉलपेपर रह गया तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा और जब हम उसमें जॉइंट डालेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, सारा डिज़ाइन स्पॉइल हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही एक एक इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कट करें। इसे लगाते वक्त पहले आप इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल एग्जैक्ट सेट कर लें और उन्हें बहुत अच्छे से हाथ से ही प्रेस कर दें। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बहुत कम कम पील ऑफ करें और कपड़े की हेल्प से उसे वाइप ऑफ करते जाएं। और एकदम से बहुत ज़्यादा पील ऑफ ना करें, उससे बबल्स आने का डर है। बबल्स आ गए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये हमने बिल्कुल फ्रंट में ही रखना है। और कपड़ा भी ज़्यादा बड़ा ना लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा हमारा पूरे वॉलपेपर पे फैला रहता है और हमें दिख नहीं पाता और जहाँ कपड़ा हमारा फैला रहता है उसके नीचे ही बबल्स आ जाते हैं। तो कपड़ा छोटा ही लें और जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करके आप अपने वॉलपेपर को लगाते जाएं। अब कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आपका साइडों में निकल गया है उसे आप नाइफ की हेल्प से कट कर दें।
दूसरी साइड का वॉलपेपर कट करते वक्त डिज़ाइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि मैं पूरे डिज़ाइन को मिला रही हूँ, वैसे ही आप भी पूरे डिज़ाइन को मिलाकर ही कट करें, अदरवाइज़ आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो स्पॉयल हो जाएगा और वो देखने में भी बहुत भद्दा लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन जो है वॉलपेपर का, वो कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही अपने किसी भी पुराने पड़े टेबल को, आपके स्टोररूम में कोई टेबल पड़ा है, आप जिसको आपने बिल्कुल वेस्ट समझ लिया है, उसे आप इस तरह से पेंट करके और ज़रा से वॉलपेपर की हेल्प से बहुत सस्ते में ही अपने घर में उसे रीन्यू कर सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये DIY कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ अपने ब्यूटीफुल से घर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर DIYs अब लेकर आती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।